हेलो दोस्तों, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। तो आज दशहरा है और मेरी दो फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया है। एक मेरे अपस्टेयर रहती है, उसका नाम है नेहा शर्मा, उसने भजन रखे हैं, और एक ने इवनिंग में इनवाइट किया है। तो आज मैं दशहरे का आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने शावर ले लिया है। बस अब मैं अपने भगवान जी को नई ड्रेस पहना के रेडी कर देती हूँ, क्योंकि दशहरा है तो हम लोग भी कुछ इंडियन अटायर पहनते हैं। तो सोचा भगवान जी को भी एक सुंदर सा ड्रेस पहना देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी पूजा दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी ने ना बहुत दिनों से यही वाला ड्रेस पहना हुआ है, और ये जो नया ड्रेस है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो वाला ड्रेस। ये जो लड्डू गोपाल जी का नया ड्रेस है ना, ये ग्रीन कलर का है। इसमें एक साइड राधा जी बन रही हैं और एक साइड बन रहे हैं कृष्ण जी। ये मैं मथुरा से लाई थी। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मथुरा में इस तरीके का कलेक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जब भी मैं मथुरा से US आती हूँ ना, तो भगवान जी का श्रृंगार, ड्रेस, ये सब ले आती हूँ। सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा देते हैं। मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि हमें अपने बिजी टाइम टेबल में से थोड़ा सा टाइम भगवान की पूजा सेवा इसके लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। तो ये जो लाइन्स है ना, इनका मतलब ही यही है कि इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन अगर कोई सुखी है तो वो वही है जो कृष्ण को दास है या राम को दास है। तो मैं ना एक बुक पढ़ती हूँ, उसमें ना इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो कि पॉजिटिविटी भी देती हैं, जिनको पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो ये जो मैं आपसे इस तरह की बातें अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ ना, ये उसी बुक की हैं। मैं आपसे वो वाली बुक भी किसी दिन किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज मैंने सोचा, दशहरा है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर ली जाएं, कुछ स्पिरिचुअल बातें शेयर कर ली जाएं। तो बस मैंने सोचा कि स्टार्टिंग भी भगवान की पूजा से और कुछ अच्छी बातों से शुरू की जाए व्लॉग्स की। तो जैसा कि मैंने आपको ये कहावत बताई, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। तो राम का दास और कृष्ण का दास बनने के लिए आपको क्या करना है, जैसी मेरी सोच है, आज मैं आपके साथ वही बात शेयर करती हूँ। तो भगवान का बनने के लिए या कृष्ण और राम का बनने के लिए जो बात मुझे पर्सनली फील होती है, वो ये है कि हमें ना भगवान से एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब हमारा जो बच्चा है, जब वो सुबह उठता है तो हमें लगता है कि इसको भूख लग रही है, इसको दूध देते हैं, और फिर हम अपने बच्चे के लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, लंच भी बनाते हैं, डिनर भी बनाते हैं। बच्चे के लिए नहीं, मतलब अपनी फैमिली के लिए। फैमिली मतलब जिससे हमारा कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होता है, कुछ कनेक्शन होता है। लेकिन जो भी हम अपने बच्चे की टेक केयर करते हैं या जो अपनी हम फैमिली की टेक केयर करते हैं, लाइक उनका सोना, उठना, बैठना, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, एवरीथिंग, वो चीज़ हम अपने पड़ोसी के लिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पड़ोसी का अनहित चाहते हैं, हम किसी का भी अनहित नहीं चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम अपने बच्चे या अपनी फैमिली के लिए करते हैं, वो किसी पड़ोसी के लिए नहीं करते हैं। अब आप इस बात को थोड़ा सा डीपली समझें, क्योंकि हमारा हमारे बच्चे के साथ या तो माँ बेटे का, या माँ बेटी का, या पिता पुत्र का, या पिता और पुत्री का कोई ऐसा रिलेशन होता है कि हम उसमें बंध जाते हैं और हम अपने तन मन धन से उसको पूरा करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही सेम कनेक्शन हमें भगवान के साथ भी बनाना पड़ेगा। तो बस जब हम भगवान से कोई रिश्ता बना लेंगे ना, और उनकी इसी तरीके से केयर करेंगे जैसे हम अपनी फैमिली की करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो भाव डेफिनेटली आने लग जाएंगे कि हाँ, हम भगवान के होते आ रहे हैं। जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो लड्डू गोपाल जी एक छोटे बालक के रूप में, तो आप चाहे भाई का, चाहे पुत्र का, कोई भी रिश्ता आप भगवान से बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, आज दशहरा है तो सबसे पहले भगवान जी के टीका कर देते हैं और उनको मीठे का भोग लगा देते हैं। तो गाइज, आप लोग भी लड्डू गोपाल जी की आरती के दर्शन कर लीजिएगा, वर्चुअली सही, लेकिन बस भाव होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, भोग भी लग गया है। मैं आपको लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस मैंने पहनाई है, उसका पूरा लुक दिखाती हूँ
कितनी सुंदर लग रही है ना, राधा कृष्ण जी बन रहे हैं, ग्रीन कलर का ड्रेस है और बस यहाँ पे प्रसाद की थाली रखी है और साथ में आरती भी है। तो ये वाली ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है लड्डू गोपाल जी की। मेरे पास और भी दो तीन ड्रेसेस हैं, मैं मथुरा से लाई थी, जैसे जैसे मैं फेस्टिवल्स पे पहनाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी की और क्या क्या ड्रेसेस हैं। आप भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिएगा। नाउ टाइम टू गो फॉर अ वॉक। वेदर थोड़ा सा ठंडा है तो बस कैप और जैकेट की ज़रूरत है। मैं अभी फटाफट से अपने 3 राउंड्स लगा के कंप्लीट करके आती हूँ। बस भव्य स्कूल से आ गया है, इसको मैंने शावर करा दिया है और अब बस मैं रिलैक्स से बैठूँगी धूप में और भव को बनाना भी खिलाऊँगी, तो भव का बनाना भी हो जाएगा और मेरा धूप में बैठना भी हो जाएगा। मुझे पर्सनली जब मैं वॉक से आती हूँ ना और इस वाले रूम में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक्चुअली सभी रूम्स में ना धूप आती है और यहाँ ठंड पड़ती है बहुत ज़ोर से, तो धूप में बैठना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी का लंच भी हो गया है और टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 और मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने भजन में बुलाया है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी 2 फ्रेंड्स ने मुझे दशहरे पे इनवाइट किया है, तो एक ने भजन रखे हैं और एक ने इवनिंग में इन्वाइट किया है, तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। गाइज नाउ आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस और यहाँ पे भजन स्टार्ट हो गए हैं।
चलिए फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से भजनों में से आ गई हूँ। अब यहाँ पे बज रहे हैं इवनिंग के 6:30, और क्योंकि दशहरे का दिन है, दशहरे के दिन हमारे यहाँ बहन भाई के टीका करती है, तो यतका ने विवेक के तो टीका कर दिया है और अब वो भव के टीका कर रही है। फिर बस गिफ्ट देंगे हम यतका को और फिर मुझे जाना है अपनी एक और फ्रेंड के यहाँ पर। चलिए टीका भी हो गया है, भव ने यतका के पैर भी छू लिए हैं और अब बस यतका को भव गिफ्ट दे देगा और उसके बाद हम जाएंगे अपनी एक और फ्रेंड के यहाँ पर। यहाँ पर ना US में रहकर ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, दशहरा, रक्षाबंधन, ये बहुत मिस होते हैं, पर ठीक है, जहाँ रहो वहाँ खुश होकर रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारा दशहरा भी इस तरीके से सेलिब्रेट हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, घर पर दशहरा सेलिब्रेट करने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी फ्रेंड के यहाँ पर। इसका नाम है शिल्पा। तो इसका ना यहाँ पर US में अपना खुद का घर है, बच्चे यहाँ पर लिविंग रूम में खेल रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब हम करेंगे रावण दहन। तो यहाँ US में अलग से तो रावण दहन होता नहीं है, तो शिल्पा ने अपने घर पर ये रावण बनाया है, बहुत मेहनत की, पूरा इसको 4-5 घंटे लग गए। तो इसका खुद का घर है तो इसका बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड में बहुत स्पेस है, तो यहाँ पर हम रावण दहन करेंगे। तो ये रहा रावण जिसको कि हम आज जलाएंगे। रावण में पटाखे लगा दिए हैं और अब सब कर रहे हैं एक एक करके फोटो। तो ये है मेरी फ्रेंड पूर्णिमा और ये इसका बेटा है छोटा आरू। और अब यहाँ पर आ गए हैं मैं और विवेक फोटो कराने के लिए और अब बारी है बस रावण दहन की। रावण नहीं जलना चाह रहा। वो मैंने उसको वो किया था, नेगेटिव किया था मैंने, बिल्कुल गैस को मैंने अच्छा हो गया थी। फटेगा तो नहीं ना सर? धूम धूम ओ वाओ, आप फोटो खींचेंगे अच्छी, जाओ उधर से खींचो, आ जाओ सब लोग इस साइड, आ जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ पापा। बहुत सुंदर। रावण का चलने वाला है। ओके डन डन, इट्स ओके, ओके प्लेट पकड़ लो प्लेट। भाभी आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, छोड़ दो। चलिए रावण दहन हो गया है और अब हम सब लोग कर रहे हैं डिनर। तो ये जो मेरी फ्रेंड सेंटर में है, ये है शिल्पा जो कि होस्ट है, जिसने अपने घर पे पार्टी रखी थी। और उसके बाद जो साइड में ब्लैक ड्रेस में है ये पूर्णिमा, सेंटर में हूँ मैं और साइड में है मेरी फ्रेंड शिल्पा। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।